हेलो बच्चों। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और हमने आपको समझाया था भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किस तरीके से काम करता है। एक छोटी सी डेफिनेशन हमने आपको बताई थी कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर एक डेफिनेशन काम करती है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी है। यानी ना तो आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप सिर्फ इसे ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। ठीक है, उसके बाद हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था बच्चों, रबिंग मेथड में किस तरीके से चार्ज कंजर्व रहता है। आप लोगों ने देखा था कि रबिंग कराने से पहले यानी घिसने से पहले भी टोटल चार्ज जीरो था, और घिसने के बाद भी टोटल चार्ज जीरो था। यानी रबिंग कराने से पहले भी टोटल चार्ज जीरो था, और रबिंग कराने के बाद भी टोटल चार्ज जीरो था। इसका मतलब यह है कि चार्ज कंजर्व है। तो बच्चों, जो हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, अभी हम उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे और कंडीशन क्या क्या है हमारे पास में। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर और कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास में आते हैं, उन्हीं एग्जाम्पल्स की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किस तरीके से कंजर्व रहेगा और प्रोसेस के अंदर। अगला जो प्रोसेस है बेटा हमारे पास में, इसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। नेक्स्ट जो प्रोसेस है अपने पास में, इसका नाम है बेटा पेयर प्रोडक्शन। हम जानेंगे कि पेयर प्रोडक्शन में चार्ज कैसे कंजर्व रहने वाला है। देखो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ एग्ज़ाम के अंदर नाम से आता है कि प्रूफ करके बताइए, प्रूफ करके बताइए कि पेयर प्रोडक्शन में चार्ज कैसे कंजर्व रहने वाला है। पेयर प्रोडक्शन में चार्ज कैसे कंजर्व रहने वाला है, ये हमें प्रूफ करके बताना है बेटा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि पेयर प्रोडक्शन है क्या हमारे पास में, पेयर प्रोडक्शन क्या रहने वाला है हमारे पास में, ये देखते हैं। देखो बेटा, एक होता है हमारे पास में ई प्लस, और एक होता है हमारे पास में ई माइनस। ठीक है, ई प्लस इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन ये कहलाता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, और आप जानते ही हैं ई माइनस का नाम है इलेक्ट्रॉन। जैसे ही पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे, वैसे ही हमारे पास में गामा और गामा रेडिएशन बनेगी, वैसे ही हमारे पास में गामा गामा रेडिएशन बनेगी बेटा। अब हमें ये देखना है कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान चार्ज कैसे कंजर्व रहने वाला है। आप ये देखो बेटा, E प्लस का मतलब है इतना चार्ज प्लस E, और E माइनस का मतलब है इतना चार्ज माइनस E। प्लस E से माइनस E कैंसिल आउट, ये बन गया है जीरो, गिव्स गामा। बेटा गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, गामा एक न्यूट्रल रेडिएशन है, गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो गामा होता है न्यूट्रल, हम कहेंगे कि ये जो गामा है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल रेडिएशन है, तो इसका चार्ज होगा जीरो। अब आप ये देखिए, रिएक्टेंट का जो चार्ज है वो भी जीरो है, प्रोडक्ट का जो चार्ज है वो भी जीरो है, रिएक्टेंट का चार्ज भी जीरो है और प्रोडक्ट का चार्ज भी जीरो है। तो हम कहेंगे कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान यानी यहाँ पर चार्ज कंजर्व रहने वाला है। हम ये कहेंगे बेटा कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान यानी यहाँ पर चार्ज कंजर्व रहेगा, क्योंकि बस हमें सिर्फ ये बताना है कि जितना चार्ज रिएक्टेंट का होना चाहिए बिल्कुल उतना ही चार्ज प्रोडक्ट का होना चाहिए। हमने देखा कि रिएक्टेंट का चार्ज है जीरो और प्रोडक्ट का चार्ज भी है जीरो। अगर दोनों का चार्ज सेम है तो इसका मतलब यह है कि चार्ज कंजर्व है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक न्यूक्लियर रिएक्शन मेरे पास में यह है, दूसरी जो न्यूक्लियर रिएक्शन है बेटा हमारे पास में वो ये है, यहाँ गामा ब्रेक हो जाता है ई प्लस में और ई माइनस में, यहाँ गामा ब्रेक हो जाता है ई प्लस में और ई माइनस में। ये जो ऊपर वाला आप लोगों को दिख रहा है, इस रिएक्शन का नाम है एनीहिलेशन, एनीहिलेशन, एनीहिलेशन। और ये जो आपको सेकंड वाली रिएक्शन दिख रही है, इसका नाम है पेयर प्रोडक्शन, इसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। हमें सिर्फ, हमें नाम से कोई मतलब नहीं है,
हमें रिएक्शन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ इस बात से कि इन रिएक्शन के दौरान चार्ज कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा। यानी हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो रिएक्टेंट का चार्ज है वो प्रोडक्ट के चार्ज के इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। भाई हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसे हम लोग बोलते हैं गामा, और इसके ऊपर चार्ज होता है जीरो। बात समझ में आ रही है? ओके, यह है पॉजिट्रॉन, इसका चार्ज होगा प्लस ई। यह है इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज होगा माइनस ई। प्लस ई से माइनस ई कैंसिल आउट, ये आ गया है जीरो। अब आप ये देखिए, जितना चार्ज रिएक्टेंट का है बिल्कुल उतना ही चार्ज प्रोडक्ट का है, जितना चार्ज रिएक्टेंट का है बिल्कुल उतना ही चार्ज प्रोडक्ट का है। अब जो चार्ज रिएक्टेंट का है वही चार्ज प्रोडक्ट का है, तो इसका मतलब है हम ये कहेंगे कि एनी हिलेशन, बेटा नाम याद रखिएगा, एनी हिलेशन E प्लस और E माइनस मिलकर दो गामा बनाएंगे। वो दो गामा बना रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक गामा लिख लो या दो गामा लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जितना चार्ज इसका है उतना ही चार्ज यहाँ का रहना चाहिए, यानी चार्ज कंजर्व है इसके अंदर। ऐसे ही ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। गामा का चार्ज जीरो, ई प्लस का चार्ज प्लस ई, ई माइनस का चार्ज माइनस ई, कैंसिल आउट करेंगे जीरो, यानी जितना चार्ज रिएक्टेंट का है बिल्कुल उतना ही चार्ज प्रोडक्ट का है। तो हमने बेटा बता दिया कि एक तो रबिंग मेथड के दौरान जो हम घिसते हैं वहाँ चार्ज कंजर्व रहेगा, एक एनीहिलेशन के प्रोसेस में चार्ज कंजर्व रहेगा, एक पेयर प्रोडक्शन के प्रोसेस में चार्ज कंजर्व रहेगा। आइए और एग्जांपल देखते हैं कि और कहाँ चार्ज कंजर्व रह सकता है। चौथा एग्जांपल है बेटा हमारे पास में, फोर्थ एग्जांपल है न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर हम किसी न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें और देखें कि न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा, हमें ये देखना है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन, देखो आगे चलकर आप न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर एक चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है न्यूक्लियस, वहाँ आप बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ोगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको यही न्यूक्लियर रिएक्शन याद करनी है या आपको यही न्यूक्लियर रिएक्शन याद करनी है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन याद कर लो, बस उसमें आपको चार्ज को कंजर्व करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने एक न्यूक्लियर रिएक्शन आपके सामने लिख दी, मैंने एक न्यूक्लियर रिएक्शन आपके सामने लिख दी 2He4 प्लस 4Be9 गिव्स 6Ca12 प्लस 0N1। ये हमने आपके सामने एक न्यूक्लियर रिएक्शन लिख दी। हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान चार्ज कंजर्व कैसे है, कैसे चार्ज कंजर्व है। ठीक है, देखो बेटा कैसे चार्ज कंजर्व है, वेरी इजी, बहुत आसान है। ये बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2। तो जितना भी इसका एटॉमिक नंबर है उसके पीछे ई लगा दीजिए, इसका चार्ज इतना हो गया 2E। समझ आ रही बात? इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4। इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया है प्लस 4E, ये हो गया है प्लस 2E, ये हो गया प्लस 4E। रिएक्टेंट का टोटल चार्ज हो गया है प्लस 6E। ये हमारा रिएक्टेंट का चार्ज है बेटा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का चार्ज कितना रहेगा, हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। ठीक है, देखिए इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो इसका चार्ज हो गया है 6E। इसका एटॉमिक नंबर है 0, तो इसका चार्ज हो गया है 0। अगर हम इनका टोटल चार्ज देखें तो ये भी हो गया है 6E। यानी रिएक्टेंट का चार्ज है 6E, प्रोडक्ट का चार्ज भी है 6E। इसका मतलब है कि यहाँ चार्ज कंजर्व है, इसका मतलब तो यह है सीधा सीधा कि यहाँ चार्ज कंजर्व है। हमें सिर्फ बात करनी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, जितना चार्ज रिएक्टेंट का होना चाहिए उतना ही चार्ज प्रोडक्ट का होना चाहिए। और इस न्यूक्लियर रिएक्शन में हमने देखा रिएक्टेंट का चार्ज है 6E और प्रोडक्ट का चार्ज भी है 6E, यानी इस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान चार्ज कंजर्व है। एक और न्यूक्लियर रिएक्शन का हम एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, हम एक और न्यूक्लियर रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 1H2 प्लस 1H2 गिव्स 2He4, ये है हमारे पास में न्यूक्लियर रिएक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्टेंट का चार्ज कितना होगा। एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका चार्ज हो गया 1E। एटॉमिक नंबर है 1, इसका चार्ज हमारे पास में हो गया 1E। कुल मिलाकर रिएक्टेंट का चार्ज हो गया है 2E। वेरी इजी, बहुत आसान, बड़े प्यार से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 2,
यानी यहाँ का चार्ज हो गया है हमारे पास में 2e, यानी रिएक्टेंट का चार्ज है 2e और प्रोडक्ट का चार्ज भी है 2e। बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को? रिएक्टेंट का चार्ज है 2e और प्रोडक्ट का चार्ज भी है हमारे पास में 2e। जितना रिएक्टेंट का चार्ज है उतना ही प्रोडक्ट का चार्ज है, जितना रिएक्टेंट का चार्ज है उतना ही प्रोडक्ट का चार्ज है। इसका मतलब यह है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान भी, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान भी चार्ज कंजर्व रहेगा। तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी ना बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी ना इसे बनाया जा सकता है ना हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम इसे सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मैंने आपको चार एग्जाम्पल बताए। पहला एग्जाम्पल रबिंग मैथड जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। दूसरा हो गया बेटा हमारा एनीहिलेशन, जो मैंने अभी आपको बताया एनीहिलेशन, जस्ट इससे पहले कि एनीहिलेशन देखो नाम से आता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इसके अंदर, सिर्फ नाम से बच्चा कंफ्यूज होता है कि एनीहिलेशन में चार्ज कैसे कंजर्व है। आपको ये बताना है, आपको कुछ नहीं करना, न्यूक्लियर रिएक्शन लिख देनी है वहां पर और उसके चार्ज को कंजर्व करके दिखा देना है। जितना चार्ज रिएक्टेंट का उतना ही चार्ज प्रोडक्ट का, पेयर प्रोडक्शन में चार्ज कैसे कंजर्व रहेगा, या किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान चार्ज कैसे कंजर्व रहेगा, इस तरीके से आपसे प्रॉब्लम पूछी जाएगी बेटा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी तक हमने चार्ज की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो कौन कौन सी हैं? नंबर वन चार्ज की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है, सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसके ऊपर ये तीन चार एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं बेटा। अब हम बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अब देखिए आगे जो हमारे पास में टॉपिक आता है इसका नाम है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास में मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कितने मेथड हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारे पास में मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अगला टॉपिक हमारे पास में है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, हम इसे डिस्कस करेंगे। अब मैं आपसे कहूँगा कि भैया किसी भी बॉडी को चार्ज कराने के हमारे पास में तीन मेथड है। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है हमारे पास में और न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कराना है, तो न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कराने के हमारे पास में तीन मेथड है। एक मेथड का नाम है फ्रिक्शन मेथड, एक मेथड का नाम है इंडक्शन मेथड और एक मेथड का नाम है कंडक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड यानी रबिंग मेथड, दूसरे मेथड का नाम है इंडक्शन मेथड और तीसरे मेथड का नाम है कंडक्शन मेथड। जो पहला मेथड है जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड, हालांकि इसके बारे में बहुत कुछ हम लोग जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए आप लोगों को हल्की सी इसके बारे में बता देता हूँ। पहले तो आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, उसके बाद आप लिखेंगे ए बॉडी कैन बी चार्ज बाय फॉलोइंग मेथड्स, ए बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स, ए बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। और जो नंबर वन मेथड है हमारे पास में उसका नाम है बाय फ्रिक्शन। जो सबसे पहला मेथड है हमारे पास में बेटा, इस मेथड का नाम है बाय फ्रिक्शन, या हम इसे नाम देते हैं, दूसरा नाम है इसका बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन और दूसरा नाम है बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग। ओके, बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखते हैं कि बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग का काम हम किस तरीके से करेंगे। देखिए क्या होता है कि इस मेथड में, फ्रिक्शन मेथड में, दो बॉडी हमारे पास में होती हैं, दोनों बॉडी पहले से न्यूट्रल होती हैं, दोनों बॉडी पर कोई चार्ज नहीं होता है। मान लो कि दो बॉडी हैं मेरे पास में, मान लीजिए कि दो मार्कर्स हैं मेरे पास में, ठीक है, ये दो मार्कर्स हैं, ना तो इसके ऊपर पहले से कोई चार्ज है ना इसके ऊपर पहले से कोई चार्ज है। हमने दोनों को ऐसे रबिंग कराया, तो रबिंग कराने से क्या होता है,
एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पर शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप दोनों को ऐसे घिसोगे, जैसे ही आप ऐसे दोनों को रबिंग कराओगे ना बेटा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पर शिफ्ट हो जाएंगे, एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पर चले जाएंगे। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम रबिंग मेथड का यूज़ करके किसी भी बॉडी को या दो बॉडीज़ को ओपोजिटली चार्ज करा सकते हैं। ओपोजिटली चार्ज कराने का मतलब यह है कि घिसने पर हमेशा एक बॉडी पर आएगा पॉजिटिव और हमेशा दूसरी बॉडी पर आएगा नेगेटिव, या इस बॉडी पर आएगा पॉजिटिव और इस बॉडी पर आएगा नेगेटिव। जैसे ही घिसोगे, ऐसे रबिंग कराओगे, रबिंग कराने से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पर शिफ्ट हो जाएंगे। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से रबिंग मेथड का यूज़ करके हम किसी भी दो बॉडीज़ को ओपोजिटली चार्ज करा सकते हैं। अब इस मेथड के बारे में दो तीन बातें आपको याद रखनी है बेटा। पहली बात कि रबिंग मेथड में दोनों बॉडी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए चार्ज होती हैं, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए। यानी मैं घिसूंगा, ऐसे रबिंग कराऊंगा, तो रबिंग कराने के कुछ देर के लिए बॉडीज चार्ज हो जाएंगी, फिर बाकी दोबारा से अनचार्ज हो जाएंगी। यानी रबिंग मेथड में बॉडीज बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए चार्ज होती है। ये परमानेंट मेथड नहीं है किसी भी बॉडी को चार्ज देने का, ये बहुत ही टेम्परेरी मेथड है, बहुत ही शॉर्ट टाइम का मेथड है, और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ दो बॉडीज़ के ऊपर चार्ज रहेगा, फिर उसके बाद में दोनों बॉडीज़ दोबारा से डिस्चार्ज हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात यह है, अगर एक बॉडी पर प्लस के 5 कूलम्ब आ रहा है तो दूसरी बॉडी पर डेफिनेटली माइनस के 5 कूलम्ब आएगा। इस मेथड को लेकर तीन बातें हैं। नंबर वन, रबिंग मेथड में एक बॉडी पर अगर प्लस 5 पॉजिटिव आया तो दूसरे पर बिल्कुल इतना ही चार्ज नेगेटिव का आएगा। दूसरी बात, ये मेथड बहुत ही टेम्परेरी मेथड है। तीसरी बात, थर्ड पॉइंट, जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसका वर्क फंक्शन लो समझा जाता है, वर्क फंक्शन कम होगा, और जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा समझा जाता है कि उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। तो हमेशा दो बातें, तीन बातें आपको ये याद रखनी पड़ेंगी बेटा इस मेथड के अंदर, ठीक है? हालांकि ये मेथड पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी के अंदर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे बेटा, पूरा ये नोट करना है आपको, फ्रिक्शन मेथड पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके वहीं के वहीं नोट डाउन कर लिया करो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? और थोड़ा सा ना कोशिश किया करो कि जो मैं नोट्स आपको बता रहा हूँ वहीं बराबर में हल्का सा मार्जिन बनाकर इन सभी नोट्स को आप अपने लैंग्वेज में भी लिखो, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम पर आप इस लैंग्वेज को पढ़कर कम से कम याद रख पाएँ कि हाँ सर ने हमें क्या बताया था। रबिंग मेथड शॉर्ट टेम्परेरी मेथड है, बहुत लंबे टाइम के लिए इसमें चार्ज नहीं आता है। एक पर अगर पॉजिटिव आएगा तो दूसरे पर बिल्कुल उतना ही नेगेटिव आएगा। और तीसरी बात यह है कि जिस पर पॉजिटिव आता है उसका वर्क फंक्शन होता है कम, और जिस पर नेगेटिव आता है उसका वर्क फंक्शन होता है ज़्यादा, ठीक है? यह है बेटा हमारा फ्रिक्शन और रबिंग मेथड ऑफ चार्जिंग। अब हमारे पास में आता है बेटा नंबर टू मेथड। नंबर टू मेथड का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड। नंबर टू मेथड का नाम है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड। पहले आप लिख ही लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और डायग्राम बनवाऊंगा। ये डायग्राम आपको नहीं बनाने हैं, ये डायग्राम आपको नहीं बनाने हैं, डायग्राम मैं खुद से बनवाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए बेटा, ये नोट कर लीजिए आप। नंबर टू मेथड का नाम है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये पूरा नोट करिए यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए। ओके बच्चों, चलिए अब हम इस मेथड की बात करते हैं। इस मेथड का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड। देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड कैसे काम करेगा, ठीक है? चलिए बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, इस मेथड में स्टेप वन
फर्स्ट स्टेप हमारे पास में ये है इस मेथड के अंदर कि इस मेथड में हमारे पास में दो बॉडीज होती हैं। एक बॉडी है ए जो पहले से चार्ज है और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हैं आप लोग। एक बॉडी है हमारे पास में ए जिसके ऊपर पहले से चार्ज है और मान लेते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बॉडी है हमारे पास में बी, ये पूरी तरीके से न्यूट्रल है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ये पूरी तरीके से न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब मैं कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब यह है कि उसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव हैं और बहुत सारे पॉजिटिव हैं, इसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव हैं और बहुत सारे पॉजिटिव हैं। अब इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जितने भी नेगेटिव होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव इस तरफ आ जाएंगे अट्रैक्शन की वजह से, इस प्लस के अट्रैक्शन की वजह से, प्लस की तरफ अट्रैक्शन की वजह से इस बॉडी के अंदर जितने भी नेगेटिव होंगे सब इस तरफ आ जाएंगे और इस बॉडी के अंदर जितने भी पॉजिटिव होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव दूसरी तरफ चले जाएंगे। देखो बेटा ये न्यूट्रल बॉडी है, सारे नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आ गए और सारे पॉजिटिव रिपल्शन की वजह से यहाँ से दूर चले गए। उम्मीद है कि आप मेरी बात को सुन पा रहे होंगे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में ये वाली जो बॉडी रखी है यहाँ, इसे एज इट इज यहीं के यहीं रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको। अब ये जो दूसरी बॉडी है आप लोगों की जिसका नाम है बी, इस बी वाली बॉडी में आधा हिस्सा बेटा नेगेटिवली चार्ज है, आधा हिस्सा नेगेटिवली चार्ज है और आधा हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, जो हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज है इस वाले हिस्से को हम यहाँ से उठाकर अर्थ के साथ जोड़ देंगे बेटा। ये अर्थिंग का सिंबल होता है, ये अर्थिंग का सिंबल है कि जो हिस्सा पॉजिटिव वाला था हमने उसे उठाकर अर्थ के साथ जोड़ दिया, ये अर्थिंग का सिंबल होता है। ध्यान से आप हमारी बात सुनिएगा कि पॉजिटिव दूर वाले पोर्शन को हमने उठाकर अर्थ के साथ जोड़ दिया। अब अर्थ के साथ जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। देखो अगर यहाँ का चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ का चार्ज कैसा है पॉजिटिव, तो यहाँ का वोल्टेज भी पॉजिटिव होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वोल्टेज भी पॉजिटिव होगा। यह है सिंबल अर्थ का बेटा, अर्थ का वोल्टेज हमेशा होता है जीरो, आप ध्यान रखेंगे। चार्ज पॉजिटिव है तो वोल्टेज भी पॉजिटिव हो गया और यह है अर्थ, अर्थ का वोल्टेज होता है हमेशा जीरो। इसके बाद अब आप देखिए, हम पॉजिटिव को हमेशा कहेंगे हाइयर पोटेंशियल और जीरो को हम हमेशा कहेंगे लोअर पोटेंशियल। ये जो पॉजिटिव है ये हमारा हाइयर पोटेंशियल कहलाएगा हमेशा, ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो ये हो गया हाइयर और ये हो गया लोअर। अब देखिए बेटा ध्यान से, जो करंट पास होती है करंट, करंट की डायरेक्शन हमेशा होती है, यहाँ हो गया हाई पोटेंशियल, यहाँ हो गया लो पोटेंशियल, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पास होती है, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट की डायरेक्शन है बेटा। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पास हो रही है, ये करंट की डायरेक्शन है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, करंट इस तरफ पास हो रही है। अब आगे सुनिए, अगर करंट यहाँ से यहाँ जा रही है तो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज हमेशा करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाता है और पॉजिटिव चार्ज करंट की ही डायरेक्शन में जाता है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा, जिस डायरेक्शन में करंट जाएगी पॉजिटिव चार्ज भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में करंट जाएगी नेगेटिव चार्ज करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और करंट जाती है हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन है ये। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना पूरा यहाँ पर, अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरा पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ से होते हुए वायर के थ्रू होते हुए अर्थ में चला जाएगा, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से होते हुए अर्थ में चला जाएगा। अगर पूरा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया तो बॉडी पर कैसा चार्ज बचा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। अगर बॉडी पर नेगेटिव चार्ज बचा तो लास्ट स्टेप में हम ये कहेंगे बेटा कि ये नेगेटिव चार्ज पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाएगा, पूरी बॉडी के ऊपर इस तरीके से फैल जाएगा। और देखो हमने इन दोनों बॉडी को आपस में टच बिल्कुल नहीं कराया, क्या टच कराया, बिल्कुल टच नहीं कराया। बिना टच कराए हमने बी वाली बॉडी को जो पहले न्यूट्रल थी उसे नेगेटिवली चार्ज कर दिया,
कैसे चार्ज कर दिया? नेगेटिवली। इस मेथड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी ऐसा मेथड जिसमें आप बॉडीज को बिना टच कराए कैसा भी चार्ज करा सकते हैं, नेगेटिवली भी चार्ज करा सकते हैं, पॉजिटिवली भी चार्ज करा सकते हैं। तो उम्मीद है कि पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया है। यहाँ की मैकेनिज्म आप ध्यान रखेगा, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वोल्टेज भी पॉजिटिव होगा। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा होता है जीरो, अर्थ का वोल्टेज होता है जीरो। तो पॉजिटिव हो गई हायर वैल्यू और जीरो हो गई लोअर वैल्यू, करंट पास होगी हाई टू लो। पॉजिटिव चार्ज हमेशा करंट की डायरेक्शन में ही जाता है। देखो करंट यहाँ से यहाँ जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ से यहाँ जाएगा और ये सारा पॉजिटिव यहाँ से अर्थ में चला जाएगा। बॉडी पर बचेगा सिर्फ नेगेटिव चार्ज और वो नेगेटिव चार्ज इस तरीके से बॉडी के ऊपर फैल जाएगा और जो बॉडी पहले न्यूट्रल चार्ज थी अब उस बॉडी को हमने नेगेटिवली चार्ज कर दिया है। ये मेथड हमारा कहलाता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। उम्मीद है कि समझ आई हो आपको बात, जल्दी से नोट डाउन करिए, हम आपको इसका सेकेंड पॉइंट बताएंगे। फिर ठीक है बेटा, तो वीडियो को पॉज करके आप अपना अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी बात, आप अपना पहला डायग्राम है नोट कर लीजिएगा। अब हम इसके सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट में स्टेप वन, फर्स्ट स्टेप हमें ये दे रखा है कि एक बॉडी है हमारे पास में, इस बॉडी का नाम है ए। इस बॉडी पर पहले से नेगेटिव चार्ज है, इस बॉडी पर पहले से नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है। दूसरी बॉडी है हमारे पास में यहाँ, ये बॉडी है बी, ये पूरी तरीके से न्यूट्रल है। अब आप मुझे बताइए न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, तो आप झट से कहेंगे एकदम सर न्यूट्रल बॉडी तो वो होती है जिसके अंदर जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं और इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव अट्रैक्ट होकर यहाँ चले गए होंगे, वो सारे के सारे नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए होंगे और इसके अंदर जितने भी नेगेटिव होंगे वो रिपेल होकर यहाँ आ गए होंगे। बताइए समझ आया नहीं आया? ये हमारा पहला स्टेप है, न्यूट्रल बॉडी है, जितने भी पॉजिटिव है इधर आ गए अट्रैक्शन की वजह से और नेगेटिव उधर चले गए रिपल्शन की वजह से। अब आते हैं बेटा सेकंड स्टेप में हम लोग, स्टेप टू। स्टेप टू हमारे पास में यह है कि इस बॉडी को तो यहीं के यहीं एज इट इज़ बिल्कुल रखना है हमें, ठीक है। देखो हमने इस बॉडी को एज इट इज़ यहीं के यहीं रखा, जो दूसरी बॉडी थी हमारी उसके हमने दूसरे वाले कॉर्नर को, देखो यहाँ है हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज और यह है हमारे पास में नेगेटिव चार्ज, हमने इस वाले हिस्से को उठाकर अर्थ के साथ कनेक्ट करा दिया। यह अर्थिंग का सिंबल होता है, यानी नेगेटिव वाले को उठाया हमने और अर्थ के साथ जोड़ दिया। अब आप एक बात बताइए, अगर यहाँ का चार्ज नेगेटिव है तो वोल्टेज भी नेगेटिव होगा, चार्ज अगर नेगेटिव है तो वोल्टेज भी नेगेटिव होगा और अर्थ का वोल्टेज हमेशा होता है बेटा जीरो, अर्थ का वोल्टेज होता है जीरो। अब आप ये बताइए अगर चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ का वोल्टेज हो गया नेगेटिव और अर्थ का वोल्टेज होता है जीरो, नेगेटिव और जीरो में कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा? बड़े आराम से आप बता सकते हैं कि सर जीरो बड़ा होगा नेगेटिव छोटा होगा, नेगेटिव वैल्यूज को हम छोटा समझते हैं तो नेगेटिव वैल्यू होगी हमारे पास में लोअर पोटेंशियल और जीरो होगा हमारे पास में हायर पोटेंशियल। उम्मीद है कि आप बात समझ रहे होंगे, ये हो जाएगा लोअर और ये हो जाएगा हायर। HP का मतलब है हायर पोटेंशियल, LP का मतलब है लोअर पोटेंशियल। करंट की डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी करंट यहां से यहां जाएगी बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट यहां से यहां ना जाएगी तो जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज वो हमेशा करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अगर करंट जाएगी अर्थ के अंदर से निकलकर बॉडी की तरफ तो ये सारा नेगेटिव चार्ज वायर के थ्रू यहां वायर से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज हमेशा करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ये बात कहीं लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर, इंपॉर्टेंट बात है। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो करंट की ही डायरेक्शन में जाता है, पॉजिटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये सारा नेगेटिव यहाँ से चला जाएगा अर्थ में, बॉडी पर बचेगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाएगा, ये पॉजिटिव पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाएगा। देखो ये पॉजिटिव पूरी बॉडी पर फैल गया, तो बेटा इस तरीके से
हम इंडक्शन मेथड का यूज करते हुए किसी भी बॉडी को चार्ज करेंगे। तो देखो हमने दो बॉडीज को टच नहीं कराया, क्या हमने इन दोनों बॉडी को आपस में टच कराया? बिल्कुल टच नहीं कराया। और बिना टच कराए न्यूट्रल बॉडी से हमने इसे पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। कैसा चार्ज कर दिया? पॉजिटिवली चार्ज। इस मेथड को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। इससे पहले जो मेथड हमने पढ़ा था रबिंग मेथड, उसमें क्या था कि वो मेथड बहुत ही टेम्परेरी मेथड था। आप ऐसे घिसो, कुछ देर के लिए दोनों बॉडी पर चार्ज आएगा, वो फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये मेथड पूरी तरीके से परमानेंट मेथड है। और कई बार इस मेथड में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि उस मेथड का नाम लिखिए जहां दो बॉडीज को बिना टच कराए, विदाउट टचिंग, बिना टच कराए आप दूसरी बॉडी को चार्ज करा सकते हैं। तो इस मेथड में हम बिना टच कराए न्यूट्रल बॉडी को कैसा भी चार्ज दे सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी दे सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज भी दे सकते हैं। मैकेनिज्म इसकी यह है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, और अगर यहाँ चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव है, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव है। करंट पास होगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे करंट की अपोजिट डायरेक्शन में और पॉजिटिव चार्ज जाएगा करंट की ही डायरेक्शन में। तो ये हो गया बेटा हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट डाउन करिए, मैं एक एग्जांपल आपको इसके ऊपर बताता हूँ। ओके, तो उम्मीद है बेटा आपने नोट कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। कोई बहुत मुश्किल वाली बात भी नहीं है कि भाई आप लोगों को कोई समस्या हो, आराम से आप लोग कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास में आएगी ये, देखो प्रॉब्लम नंबर वन, भाई हमारे पास में यहाँ है ग्लास रॉड। देखो बेटा ये मेरे पास में एक ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज। यहाँ हमारे पास में दो स्पेयर रखे गए हैं और दोनों स्पेयर को आपस में बिल्कुल टच करा के रखा गया है ऐसे। यहाँ हमारे पास में दो स्पेयर हैं और दोनों स्पेयर को बिल्कुल आपस में ना टच करा के रखा गया है ऐसे, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब आप देखो ये दोनों स्पेयर, ये दोनों, ये भी और ये भी पूरी तरीके से न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल का मतलब आप समझते हैं कि इनके अंदर खूब सारा नेगेटिव, खूब सारा पॉजिटिव भरा पड़ा है। अच्छा, दोनों बॉडीज़ यहाँ टच में है, टच में, समझ में आ रही बात? तो जैसे ही पॉजिटिव रॉड को इनके पास लेकर आएंगे, इन दोनों के अंदर जितना भी नेगेटिव होगा, इन दोनों के अंदर जितना भी नेगेटिव होगा वो सारा का सारा नेगेटिव एक स्पेयर पर आ जाएगा, एक गोले पर आ जाएगा। जितना भी नेगेटिव होगा वो सब यहाँ आ जाएगा अट्रैक्शन की वजह से, और जितना भी पॉजिटिव होगा वो यहाँ चला जाएगा रिपल्शन की वजह से, समझ रहे हो बेटा? वैसे तो ये दोनों के दोनों न्यूट्रल थे, और न्यूट्रल का मतलब ये है कि इनके अंदर खूब सारा नेगेटिव है, खूब सारा पॉजिटिव है। अब जितना भी नेगेटिव इनके अंदर है वो सब का सब अट्रैक्शन की वजह से इस ए वाले गोले पर आ गया, बात समझ रहे हो? और जितना भी इसके ऊपर पॉजिटिव है वो रिपल्शन की वजह से यहाँ बी वाले स्पेयर पर आ गया। ये हो गया स्टेप वन। ये क्वेश्चन NCERT का ना एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास में, NCERT का एग्जाम्पल है। अब जैसे ही सेकंड स्टेप पर जाएंगे, यहाँ अर्थिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। अर्थिंग कराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि बिल्कुल बॉडी ए पर नेगेटिव आ चुका है, बॉडी पूरी बॉडी ए पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव है और कुछ नहीं है, और पूरी बॉडी पी पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है और कुछ नहीं है। अब आप सिर्फ एक काम करो, इन दोनों गोलों को आपस में सेपरेट कर दो, दोनों गोलों को अलग कर दो, दोनों स्पेयर्स को अलग कर दो। जैसे ही आपने दोनों स्पेयर्स को अलग किया तो जो पहले वाले गोले पर नेगेटिव आ गया था ना बेटा, वो ए वाले पर ही रह गया, ए वाला हो गया नेगेटिवली चार्ज, और जो दूसरे वाले पर पॉजिटिव आ गया था वो दूसरे वाले पर ही रह गया, यानी दूसरे वाला जो बी वाला था हमारा वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, यानी जैसे ही पॉजिटिवली ग्लास रॉड को हम यहाँ लेकर आए, इन न्यूट्रल के अंदर जितना भी नेगेटिव था वो पूरा एक तरफ हो गया प्लस से अट्रैक्शन की वजह से, और जितना भी पॉजिटिव था वो एक तरफ हो गया रिपल्शन की वजह से। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से कहीं ज़्यादा है,
इसीलिए नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है बेटा। हमने बिना अर्थिंग कराए हमने दोनों को अलग कर दिया, इस पर नेगेटिव था वो बिल्कुल नेगेटिव इस पर ही रह गया, और इस पर पॉजिटिव था वो पॉजिटिव इस पर ही हमारा रह गया। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आता है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम अगर आती है, तो उस थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हो बात और कोई परेशानी ना हो, ठीक है। आइए अब हम इसके न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करते हैं, न्यूमेरिकल कंसेप्ट की बात करते हैं, और देखते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे हमें इसके ऊपर सॉल्व करनी है। जल्दी से पहले आप इसे नोट डाउन करिए। ठीक है, तो आइए बेटा अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहली प्रॉब्लम कौन सी है हमारी, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, तभी आपको बात सही तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉडी ए है हमारे पास में बेटा, यहाँ हमें एक प्लेट दी गई है। हालांकि आपको ये वायर जैसा लग रहा होगा लेकिन वायर नहीं है, एक्चुअल में ये प्लेट है। प्लेट को ना देखो, प्लेट ऐसे है लेकिन प्लेट को ऐसे रखा गया है, तो सिर्फ आपको सामने का हिस्सा दिख रहा है, सामने वाला हिस्सा, इसीलिए आपको ये प्लेट के जैसा दिख रहा है। एक प्लेट हमने यहाँ रखी है और एक प्लेट हमने यहाँ रखी है, ठीक है। एक प्लेट ऐसे रखी है और एक प्लेट ऐसे रखी है। इस प्लेट पर यहाँ जो चार्ज है वो है Q1, इस प्लेट पर यहाँ जो चार्ज है वो है Q2। बात समझ में आ रही बच्चों आप लोगों को? ये बताना है कि जैसे ही हमने दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के पास में ला के रखा, कॉन्सेप्ट है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो बहुत ध्यान से नोट पॉइंट डालकर अपनी कॉपी में लिखिएगा आप लोग। दो प्लेट है, प्लेट ऐसे है लेकिन ऐसे रखी है, प्लेट ऐसे है लेकिन ऐसे रखी है, इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2, दोनों प्लेटों को ऐसे रखा गया है। तो हमें यहाँ बताना है कि यहाँ कितना चार्ज होगा, यहाँ कितना चार्ज होगा, यहाँ कितना चार्ज होगा और यहाँ कितना चार्ज होगा। समझ रहे हो बेटा? बहुत आसान। कैसे? आउटर साइड में जो चार्ज होने वाला है ये आउटर साइड है, और इधर भी ये आउटर साइड है। इस आउटर साइड में जो चार्ज होने वाला है उसकी वैल्यू रहेगी, कितनी भी प्लेटें आपको दे रखी हो, चाहे दो प्लेट हो, तीन प्लेट हो, चार प्लेट हो, पांच प्लेट हो, कितनी भी प्लेट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी चार्ज क्यू है, यहाँ भी चार्ज क्यू है। यानी जो सबसे आउटर की प्लेट होगी, जो सबसे इधर वाली प्लेट होगी और जो सबसे उधर वाली प्लेट होगी, उसके इस तरफ और इस तरफ जो चार्ज आएगा, सभी प्लेटों के चार्जेस को ऐड करो। जैसे यहाँ दो ही प्लेट है तो दोनों प्लेटों के चार्ज को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। हमेशा डिवाइड आपको 2 से ही करना है। अगर तीन प्लेट होती तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2। चार प्लेट होती तो चार प्लेटों के चार्जेस को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। जितने भी प्लेट्स होंगे उन सब के चार्जेस को ऐड करके 2 से डिवाइड आपको कर देना है। ये होगा हमारा आउटर साइड में चार्ज। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। बात समझ में आ रही बेटा? अब बाहर की तरफ इतना चार्ज आ गया, समझ रहे हो आप? इस पूरी प्लेट के ऊपर है इतना चार्ज Q1, बाहर की तरफ आ गया है Q चार्ज। अंदर की तरफ कितना चार्ज बचेगा? इस चार्ज में से इस चार्ज को माइनस कर दो, अंदर की तरफ का चार्ज निकल जाएगा। ऐसे ही इस प्लेट पर टोटल चार्ज कितना है? Q2। बाहर की तरफ कितना चार्ज आ गया? कैपिटल Q। Q2 में से कैपिटल Q को माइनस कर दो, यहाँ का चार्ज आपका निकल जाएगा। इस तरीके से आप चार्ज कैलकुलेट करेंगे। इस तरफ आ जाएगा कैपिटल Q, इस तरफ आएगा Q1 माइनस के, सॉरी मैंने गलत लिख दिया बेटा यहाँ पर, ये Q1 माइनस के Q, और यहाँ आएगा Q2 माइनस के Q। ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। आप आराम से 2-3 एग्जाम्पल देखिए और समझिए बातों को। एग्जाम्पल नंबर 1, देखो पहला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, एक प्लेट दे रखी है, यहाँ का चार्ज है 4 कूलम। दूसरी प्लेट हमें दे रखी है, यहाँ का चार्ज है प्लस के 6 कूलम, ठीक है। हमें बताना है यहाँ कितना चार्ज होगा, यहाँ कितना चार्ज होगा, यहाँ कितना चार्ज होगा और यहाँ कितना चार्ज होगा, ये बताना है हमें। इस प्लेट पर है प्लस के 4 कूलम, इस प्लेट पर है प्लस के 6 कूलम। आप एक काम करो बेटा, दोनों प्लेटों के चार्जेस को आपस में ऐड करो, 6 और 4 कितना हो गया 10, दोनों प्लेटों के चार्जेस को ऐड करो,
सिक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू फाइव कूलम्ब, आ गया ना पाँच कूलम्ब, यानी पाँच कूलम्ब ही यहाँ रहने वाला है और पाँच कूलम्ब ही यहाँ रहने वाला है, ठीक है। यानी इस प्लेट के बाहर की तरफ भी फाइव कूलम्ब रहेगा और इस प्लेट के बाहर की तरफ भी फाइव कूलम्ब रहेगा। अब मुझे एक बात बताइए, इस प्लेट पर टोटल चार्ज कितना है? सिक्स। बाहर की तरफ कितना आ गया? फाइव। तो अंदर की तरफ कितना बचा? अंदर की तरफ बचा वन कूलम्ब। यानी इन दोनों चार्जेस का जो सम है ना, वो इस चार्ज के इक्वल होना चाहिए, इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। तो फाइव प्लस वन सिक्स। अब यहाँ आइए, इन दोनों का जो सम होना चाहिए, इन दोनों का सम वो इसके इक्वल होना चाहिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस के वन कूलम्ब। फाइव और माइनस वन फोर कूलम्ब आ जाएगा। तो यहाँ बाहर की तरफ फाइव कूलम्ब, यहाँ माइनस के वन कूलम्ब, यहाँ प्लस के वन कूलम्ब, यहाँ फाइव कूलम्ब। इस तरीके से प्लेट के दोनों तरफ, प्लेट के इस तरफ भी और प्लेट के इस तरफ भी हम चार्ज को कैलकुलेट करेंगे बेटा। ये तो एक ही एग्जाम्पल मैंने बताया है, अभी दो तीन एग्जाम्पल की बात करेंगे। आप आराम से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। हम और एग्जांपल्स की बात करते हैं, और दो एग्जांपल हम डिस्कस करें। देखो सेकंड एग्जांपल क्या है बेटा हमारे पास में, सेकंड एग्जांपल यह है कि एक प्लेट हमें यहाँ दी गई है, एक प्लेट हमारे पास में यहाँ है और एक प्लेट हमारे पास में यहाँ है, ओके। इस प्लेट का चार्ज है प्लस के 10 कूलम्ब, इस प्लेट का चार्ज है माइनस के 4 कूलम्ब और इस प्लेट का चार्ज है प्लस के 8 कूलम्ब, ठीक है। तीन प्लेटें हमें दे गई हैं, यह है प्लेट ए, यह है प्लेट बी और यह है प्लेट सी। अब कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, सेकंड लास्ट एग्जांपल है, इसके ऊपर अच्छे से समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ये बताना है कि यहाँ कितना चार्ज होगा, यहाँ कितना चार्ज होगा, यहाँ कितना चार्ज होगा, यहाँ कितना चार्ज होगा, यहाँ कितना चार्ज होगा और यहाँ कितना चार्ज होगा। प्लेट के दोनों तरफ आपको चार्ज बताना है। तो पहले एक काम करो, तीनों चार्जेस को ऐड करो आपस में। 10 माइनस 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 7 कूलम्ब। 10 माइनस 4 6 एंड 8 14 और डिवाइडेड बाय 2 7 कूलम्ब। यानी यहाँ पर भी रहेगा 7 कूलम्ब और यहाँ पर भी रहेगा 7 कूलम्ब। जो आउटर प्लेट है ना, बिल्कुल आउटर प्लेट, जो बिल्कुल किनारे वाली प्लेट है, उनके बाहर की तरफ इतना चार्ज रहेगा 7 कूलम्ब। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ टोटल चार्ज कितना है? 8 कूलम्ब। बाहर की तरफ कितना आ गया? 7 कूलम्ब। इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ रखेंगे 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब एंड 7 कूलम्ब, 8 कूलम्ब, क्लियर। अब यहाँ आते हैं, यहाँ है 10 कूलम्ब, बाहर की तरफ आ गया 7 कूलम्ब। इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ हमने रखा 3 कूलम्ब, 7 एंड 3 10 कूलम्ब। समझ आ गई बेटा बात? इस 3 कूलम्ब को देखकर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इस प्लस के 3 कूलम्ब को देखकर यहाँ माइनस के 3 कूलम्ब आ जाएगा इंडक्शन से, इंडक्शन मेथड से, इंडक्शन मेथड से इस 3 कूलम्ब को देखकर यहाँ आ जाएगा माइनस के 3 कूलम्ब। प्लस के 3 कूलम्ब को देखकर यहाँ माइनस के 3 कूलम्ब आ गया। इस पर टोटल है माइनस के 4 कूलम्ब, यहाँ है माइनस के 3 कूलम्ब, इन दोनों का सम इतना होना चाहिए, तो यहाँ जाएगा माइनस के 1 कूलम्ब। माइनस 3 और माइनस, माइनस 3 और माइनस 1, माइनस के 4 कूलम्ब। तो तीनों प्लेटों के दोनों तरफ हमने चार्ज को कैलकुलेट कर दिया, किस तरीके से हम चार्ज बनाएंगे बेटा, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ आई हो बात। एक लास्ट एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर आज की क्लास आप लोगों की फिनिश हो जाएगी। आप लोगों का काम एज यूजुअल वही है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं, वो सब आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी के अंदर भी नोट करने हैं, होमवर्क कॉपी के अंदर भी नोट करने हैं, और होमवर्क कॉपी का एक फ़ोटो क्लिक करके या स्कैन करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना होमवर्क सेंड करना है बेटा, ठीक है। प्रॉपरली आप अपना होमवर्क सेंड करेंगे मेरे पास में, ठीक, बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं बेटा क्या होगी, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होने वाली है हमारे पास में। देखिए, एक प्लेट यहाँ है, इस प्लेट का चार्ज है प्लस क्यू, एक प्लेट यहाँ है, इस प्लेट का चार्ज है ज़ीरो, एक प्लेट यहाँ है, इस प्लेट का चार्ज है टू क्यू। तीन प्लेट हमें दे रखी है,
यह है प्लेट ए, यह है प्लेट बी और यह है प्लेट सी, यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज आपको कैलकुलेट करना है बेटा कितना होगा। अब कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, पहले आप तीनों चार्जेस को ऐड करो, क्यू प्लस ज़ीरो प्लस के टू क्यू डिवाइडेड बाय टू, आंसर इज थ्री क्यू बाय टू, तीनों को ऐड करके इतना आ गया, यानी थ्री क्यू बाय टू ही तो रहने वाला है यहाँ पर और थ्री क्यू बाय टू रहने वाला है यहाँ पर। अगर यहाँ थ्री क्यू बाय टू है और ये टू क्यू है तो इन दोनों का सम इतना होना चाहिए, तो यहाँ आएगा क्यू बाय टू, क्योंकि क्यू बाय टू प्लस थ्री क्यू बाय टू टू क्यू बन जाएगा। इस क्यू बाय टू को देखकर इंडक्शन मेथड से यहाँ आ जाएगा माइनस के क्यू बाय टू, समझ आ रही बेटा बात, इस क्यू बाय टू को देखकर यहाँ आ गया माइनस के क्यू बाय टू। अब आप ये देखो यहाँ चार्ज कितना है क्यू, ये है थ्री क्यू बाय टू, इन दोनों का सम इतना होना चाहिए तो यहाँ आएगा माइनस के क्यू बाय टू। देखो जब जोड़ोगे ना इन दोनों को तो प्लस क्यू बन जाएगा आंसर, ये माइनस के क्यू बाय टू है इसे देखकर यहाँ आ जाएगा प्लस के क्यू बाय टू इंडक्शन मेथड से। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। अब जरा इन दोनों को जोड़ो, ये प्लस क्यू बाय टू ये माइनस क्यू बाय टू, आंसर कितना आ गया जीरो, इसका मतलब है करेक्ट है बिल्कुल प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आज की क्लास में आप लोगों को सिखाया बेटा, ठीक है। तो बाकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया हो, जो भी आप लोगों के डाउट रहे आप व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू अपने क्लियर करते रहें।